पंचायती राज और नगर निगम के संबंध में इसमें प्रावधान थे। फिर इसको कब पास किया गया है, 73वां और 74वीं संविधान संशोधन से इसको पास कराया गया था। ठीक है, लेकिन राज्य सूची के विषय पर कानून वैसे कौन बनाएगा?
बताइए कोई राजकीय महत्व के विषय एक या दो तो जैसे जैसे कि आप संचार प्रणाली है ना, इस तरीके से हो सकता है या कोई भी विषय हो, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित हो, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हो, इस तरीके से हो सकता है। ये जो विधि बनाई जाएगी ये कितने दिन तक लागू रहेगी, ये विधि एक साल तक लागू रहेगी। विधि में इसके माध्यम से जो विधि बनाई जाएगी एक वर्ष तक लागू रहेगी। नौसेना, जल सेना, थल सेना यही तो नहीं है? अच्छा अच्छा वो केंद्रीय सेना नहीं है, जैसे IAS तीन है अभी इस समय, IAS, IPS और IFS, ये है फॉरेस्ट सर्विसेज, ये है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज और ये है इंडियन पुलिस सर्विसेज, ये तीन अखिल भारतीय सेवाएं। एक बात चल रही है कि इंडियन जुडिशियल सर्विसेज को मिलाया जाए, लेकिन वो अभी लाई नहीं गई, अभी ये थी नहीं है। IAS और IPS हमारे मूल संविधान में भी थी, अखिल भारतीय सेवाएं, और IFS को कब लाया गया, 1966 में लाया गया है, ठीक है। अच्छा देखिए तो सर्विसेज कितने प्रकार की हो सकती है, तीन प्रकार की हो सकती है, एक हो सकती है सेंट्रल, एक हो सकती है स्टेट और तीसरी हो सकती है ऑल इंडिया सर्विसेज। अच्छा ये भी देख लेते हैं नियुक्ति कहाँ से होती है, नियुक्ति किसके पास, ट्रेनिंग कौन करता है, फिर नियंत्रण किसका होता है और अंतिम नियंत्रण किसका होता है।
इसकी टाइमिंग कहीं कहीं पे ना 1950 के लिए होती थी, कहीं कहीं पे 1991 के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जब सबसे पहले चुनाव कब हुआ था सबसे पहले चुनाव 1952 में हुआ था, 1950 में राज्यसभा का। तो उस समय हमारे पास क्या ऑप्शन थे, क्योंकि उस समय हमने पहली बार चुनाव करने थे, है ना, सारी सीटों पर पहली बार सदस्यों को लेके आना था। तो उस समय हमारे पास क्या ऑप्शन थे, सभी सीटों पर चुनाव हो गए। और दूसरा हमने क्या किया कि सभी सीटों पर चुनाव तो कराए थे, लेकिन राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया, और उस आदेश से बताया कि किस सीट पर अगले 2 वर्ष में चुनाव होगा। क्योंकि चूंकि हर सदस्य का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का है ना, और हमें तुरंत 2 साल बाद एक तिहाई सीटों पर चुनाव कराना था। तो ये राष्ट्रपति ने बताया कि कौन सी जो एक तिहाई सीट है उन पर 2 साल के बाद चुनाव होगा। तो ये हमने तरीका अपनाया था 1952 में। आगे सुनते हैं, अब हम देखिए प्रासंगिकता इसमें देख लेते हैं, लोकसभा में क्योंकि हम अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करके भेजते हैं, तो राज्यसभा को भंग कर देना चाहिए। लेकिन अभी हमने जैसे पढ़ा कि कहां कहां पर राज्यसभा उपयोगी हो सकती है, कहां पर हो सकती है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अगर लाया जाता है, संविधान पर संशोधन विधेयक अगर लाया जाता है, तो वहां पर राज्यसभा बराबर शक्तिशाली है लोकसभा की हमारी, तो यहां पर इसकी प्रासंगिकता हमें दिखाई देती है। ऐसे ही कहां पर आर्टिकल 249 में राज्यसभा को विशेष शक्ति दी गई है, किस मामले में, कि राष्ट्रीय महत्व का कोई मुद्दा है तो उसमें संसद को अधिकार दे सकती है राज्य की सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए। कैसे दे सकती है, प्रेसिडेंट होने के 2/3 लोगों से पास करे। फिर तीसरा आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा के गठन में राज्यसभा की एक विशेष भूमिका है कि राज्यसभा एक संकल्प पारित करेगी जिसमें से प्रेसिडेंट वोटिंग के 2/3 बहुमत से और अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है। चौथा दीजिए, जो 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं वो कौन होते हैं, वो चूंकि राजनीतिक व्यक्ति नहीं होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, सभापति जो है, सॉरी सभापति जो है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, तो नहीं होता है, राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य
पंचायत के सदस्यों को हम चुनते हैं, वो कौन सा इलेक्शन है? डायरेक्ट इलेक्शन।
सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो विजेता होता है। जबकि इनडायरेक्ट इलेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, कोटा डिसाइड किया जाता है। कोटा का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वैलिड वोट अपॉन वैकेंसी प्लस वन और टोटल का प्लस वन। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें कोटा नहीं होता है, जिसको भी वोट सबसे ज्यादा मिल जाते हैं वो जीता मान लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक होता है भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं, भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, है ना, इस एरिया की एक सीट होगी, इस एरिया से दूसरी सीट होगी, वो होता है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टैली होल्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, सिंगल मेंबर मतलब एक सीट से एक ही जन चुना जाता है ना, सिंगल मेंबर। और एक शब्द यहां पर हम पढ़ेंगे वो है आर्टिकल 82 से संबंधित है, इसी में लिखे हुए परिसीमन क्या है, परिसीमन आयोग का। आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स।